फ्रेंड्स, एक गरीब परिवार में जन्मे साधारण इंसान जिनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से बीता। बचपन में ही अपने पिता का साया सिर से हट जाने के बाद अपनी शुरुआती पढ़ाई जिसने सरकारी स्कूल से की। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में नरेश गोयल के बारे में, जिनका जन्म पंजाब के संगरूर जिले में 26 जुलाई 1949 में हुआ। जब वे 11 साल के हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनका बचपन बड़ी मुसीबतों से बीता। जब वे 6th क्लास में थे तब उनके घर की नीलामी हो गई। उसके बाद उनको अपने मामा के घर रहना पड़ा, जहां पर उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास की। साल 1967 में उन्होंने अपना करियर एक कैशियर के रूप में अपने मामा सेठ चरणदास रामलाल की ट्रेवल एजेंसी में 300 रुपये में की। इसके बाद उन्होंने लेबनान इंटरनेशनल एयरलाइन को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने 1974 तक काम किया। इस बीच उन्होंने कई विदेश यात्राएं की, जहां पर उनको पूरे एयरलाइन बिजनेस की समझ लेने में मदद मिली। साल 1974 में उन्होंने $500 से अपना खुद का ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने जेट एयर रखा। शुरुआत में कंपनी एयर फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक को भारत में रिप्रेजेंट करने का काम करती थी। लेकिन नरेश गोयल यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा था जो किसी ने आज तक नहीं सोचा। साल 1991 का समय था जब भारत में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था। उस समय केवल एयर इंडिया ही एक ऐसी कंपनी थी जो देश में उड़ा करती थी। नरेश गोयल ने जेट एयर को साल 1993 में एयर कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा लिया और उसका नाम जेट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड रखा। नरेश गोयल के जेट एयरवेज की पहली शेड्यूल एयरलाइन का स्टेटस 14 जनवरी 1995 को मिला। शुरुआत में नरेश गोयल ने जेट एयरवेज को बहुत अच्छी तरह से संभाला और देखते ही देखते जेट एयरवेज को देश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया। नरेश गोयल 2005 में भारत के 16वें सबसे अमीर आदमी थे। नरेश गोयल जेट एयरवेज के सारे छोटे बड़े डिसीजन खुद ही लिया करते थे। यही जेट एयरवेज की सक्सेस और उसकी बर्बादी का कारण बनी। जब तक कंपनी छोटी थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, नरेश गोयल जेट एयरवेज को अच्छी तरह से मैनेज करने में सफल ना हो सके। जेट के मुश्किल के दिन तब शुरू हो गए जब जेट एयरवेज ने सहारा को एक्वायर किया और इस डील में नरेश गोयल ने जेट का सारा पैसा लगा दिया, जिस कारण से जेट में कैश की शॉर्टेज होने लगी और जिसके लिए नरेश गोयल ने इतिहाद एयरवेज से मदद ली और 24% स्टेक इतिहाद एयरवेज को बेच दिया, जिसके कारण कुछ समय तक इतिहाद का पैसा जेट को सहारा दिया। लेकिन उसके बाद इतिहाद ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और धीरे धीरे लोन की राशि और ब्याज बढ़ने और बैंकों का कर वापस ना कर पाने के कारण नरेश गोयल को जेट एयरवेज से इस्तीफा देना पड़ा। आज नरेश गोयल के हालात ऐसे हैं कि अपनी खुद की कंपनी से निकाले जाने के बाद उन पर उसी कंपनी के फ्रॉड का केस चल रहा है, जिसके लिए भारतीय एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। नरेश गोयल ने देश से बाहर जाने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया कि वे बाहर से पैसा लाकर जेट एयरवेज को बचाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको 18,000 करोड़ सिक्योरिटी के रूप में जमा करने के लिए कहा। उसके बाद ही वे देश से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से नरेश गोयल जेट एयरवेज को चालू करके आसमान की ऊंचाइयों पर जा पहुंचे थे। आज वही नरेश गोयल जेट एयरवेज के बंद होने के बाद जमीन पर पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।